गुड आफ्टरनून करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइज आज बहुत ही बढ़िया है, मजेदार सी रेसिपी बनने वाली है। काको फैमिली ब्लॉग पे हमारे 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तकरीबन 700-800 सब्सक्राइबर रह गए हैं। और ये बन रहे हैं वेज पुलाव। इसकी रेसिपी नहीं दे रहा मैं आपको, इसकी रेसिपी पहले मैंने दे रखी है। वेज पुलाव बन रहे हैं घर के लिए, ठीक है जी। ये लंच में बन रहे हैं वेज पुलाव, और ये बन रहे हैं रात को, ये बनेंगे डिश, और इसकी रेसिपी आएगी कल। ये क्या चीज़ है दर्शन करा देता हूँ आपको। ये हैं चापे, सोयाबीन की चापे है, क्या मस्त बन गई है अच्छे ढंग से। और इसकी रेसिपी देंगे हम कल आपको, ये रात में आकर मैं बनाऊँगा। अभी आया हुआ मैं लंच में घर पे, और ये पुलाव बन रहे हैं मस्त वाले, ठीक है जी। और अब जो रेसिपी देने वाला हूँ मीठे की देने वाला हूँ, क्योंकि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, इसी खुशी में है डॉली। अब बनेगा बच्चों के लिए एक बढ़िया सा ब्लूबेरी शेक बनेगा आइसक्रीम वाला, और एक बनेगा फ्रूट पंच केक, घर के चीज़ों से बना हुआ बहुत बढ़िया सॉफ्ट एंड सिल्की। कप्स बनेंगे, फ्रूट कप्स बनेंगे, मफिन जैसे मफिन केक होते हैं ना, वैसे मोल्ड में बनाऊंगा। फ्रूट पंच वाले केक हैं, जेलियाँ, टॉफियाँ, और बहुत सारी जो बच्चे कैंडी खाते हैं ना, कैंडी वाला आज केक बनाएंगे बढ़िया सा। मतलब कमेंट आया था भैया बच्चों के लिए कुछ नहीं बना रहे, तो आज की रेसिपी जो है बच्चों का नाम है, क्योंकि हमारे बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं बच्चे अच्छे अच्छे। और डॉली लगा रही है उसको चावल को तड़का लगा रहा है। तो गाइस बनाना शुरू करते हैं फटाफट फ्रूट पंच केक। बताता हूँ क्या क्या चाहिए रेसिपी। केक बनाने के लिए कप केक के मोल्ड मैंने रख लिए हैं यहाँ पर। फ्रूट पंच कप केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं बिस्कुट, जो पार्ले जी के बिस्कुट नॉर्मल आते हैं, और सूजी के 4 रस ले लिए हैं। इसका मफिन बनेगा बहुत ही बढ़िया। अभी तक 2 चीज़ें ली हैं, इसको मिक्सी ग्राइंड में डाल के अच्छे तरीके से फाइन पेस्ट। गाइस बिस्कुट को और रस को मैंने डाल लिया मिक्सी जार में, और ग्राइंड करके बिल्कुल एकदम इसको क्रश कर लेंगे, और इसका बढ़िया सा बैटर करेंगे तैयार। मिक्सी जार में डाल के इसका फाइन पेस्ट, यानी कि तरह ये देखो एकदम मस्त हो गया ये बढ़िया सा। और मैंने इतनी सारी फ्रूट्स कैंडी ले ली आज, फ्रूट कैंडी बच्चों के लिए सारी की सारी जाएंगी कप्स केक के अंदर। और एक वनीला एसेंट ले लिया है, क्या क्या सामान जाएगा मैं आपको बताऊँगा। अभी मैंने चॉकलेट ले लिया है, जैली ले ली, कोई भी आप जैली, फ्रूट जैम्स वगैरह कुछ भी ले सकते हो इसमें आप फ्रूट पंच केक में डाल। तो गाइस OTG हमने गरम करने के लिए रख दिया है बढ़िया सा, और मैंने इसमें बॉल में डाल लिया सारा, ट्रांसफ़र कर लिया जो पार्ले जी बिस्कुट और केक रस का जो भी क्रम्बल क्रश बनाया था हमने। अब इसमें जाएंगे क्या क्या चीज़ें जाएंगी मैं आपको। सबसे पहले जाएगा अमूल का मेल्टेड वाला बटर जाएगा, अमूल का मेल्टेड बटर डाल दिया मैंने। उसके बाद जाएगा दूध, दूध ना धीरे धीरे करके डालना, इसका इडली जैसा बैटर है वैसे बनाना है इसको आप करेंगे। तो इसे डीप कुक करने सीटी मार दिए, इसमें बन रहे हैं पुलाव। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, डॉली पुलाव बना रही थी इसमें, और ये बैटर हमारा ऐसे हुआ है, थोड़ा सा दूध इसमें अभी हुआ है। बैटर हमारा ऐसे बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ बैटर है, और इसमें जाएंगे वनीला एसेंट की 2 बूंदे, ठीक है जी। और इसमें अब जाने वाला है मिल्क मेड बढ़िया सा, 1 चम्मच भर के मैंने मिल्क में डाल दिया इसमें, 1 चम्मच भर के मिल्क में डाल दिया है बड़ा सा। तो गाइज बस बैटर को मैंने अच्छे तरीके से ना स्मूथ कर दिया बढ़िया सा। अब ये देखो ऐसे करके ना इसमें लम्स वगैरह जितने भी होंगे ना ये बढ़िया से हो जाएंगे, और बैटर ऐसा होना चाहिए जैसे इडली का बैटर है ना, बिल्कुल सेम जो कंसिस्टेंसी है वो बैटर की ऐसी होनी चाहिए। बस ये जो फ्लेवरफुल कैंडी है वो जा रही है इसमें बढ़िया सी, और ये भी जो है ना ये कैंडी वगैरह सारी इसको करते हैं मिक्स, और जैम्स की, हाँ जैम्स की बड़ी हुई है। इस कैंडी को छोटा कर दो ना, नहीं अच्छा लगेगा। ये चीज इनो, आधा इनो का जो पाउच है ना, ये देखो इनो का ये वाला पाउच है, आधा डालना है फटाफट। गाइस जो मोल्ड है उसको अच्छे तरीके से ना ग्रीस कर लेना बटर के साथ, और ये बैटर हमारा तैयार है बिल्कुल। और जो सारे कप्स केक को मैंने ग्रीस करके रख दिया है, और अब इसमें जाने वाला है बैटर। ज़्यादा ज़्यादा बैटर मत भरना, क्योंकि ना हमारा कपकेक फूलेगा अभी। बस 2-2 चम्मच आएंगे इसमें भर भर के। तो गाइस हमारे कपकेक्स बन गए हैं बढ़िया से। अब इसमें सजाने के लिए थोड़े से चॉकलेट्स वगैरह डाल लेते हैं, जैम्स डाल देते हैं। तो गाइज ये हमारा बिल्कुल कपकेक हो चुके हैं तैयार, OTG बिल्कुल तैयार है हमारा, गर्म हो चुका है अब इसमें माइक्रो में, सॉरी OTG में जाने के लिए तैयार है।
सिर्फ 10 मिनट लगेंगे केक बनकर। तो गाइज ओटीजी में केक चले गए हैं और हो गया है हमारा ओटीजी बंद। अब 10 मिनट के बाद इंतजार करना है, फिर देखना मस्त। तो गाइज फ्रूट पंच केक जो है कैंडी वाले वो जा चुके हैं ओटीजी में, जा चुके हैं बनने के लिए, और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट के अंदर हमारे बेक होकर बिल्कुल हो जाएंगे बाहर। आप इसको आप कढ़ाई में भी रख सकते हो, कुकर में भी बना सकते हो। कुकर के अंदर एक बस साइड में बर्तन रखकर और इसको स्टीम करके कुकर के अंदर भी बहुत बढ़िया बनेंगे और फ्लेवर बहुत बढ़िया आने वाला है। और फूलने शुरू हो चुके हैं एकदम, ओके एकदम बाहर आ रहे हैं। फटाफट दिखाते हैं क्या मस्त वाले फूल रहे हैं सूजी वाले। हमारे फ्रूट पंच केक बिल्कुल उभर उभर के आ रहे हैं बाहर बढ़िया। सूजी के जो रस मैंने डाले ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सिंपल है, आप चॉकलेट वाले बिस्कुट ले सकते हो, ओरियो ले सकते हो, कोकोनट वाले बिस्कुट लग सकते हैं, जो बिस्कुट आपके पास हैं वो ले सकते हो। रस मैंने आज पहली बार ही डाला है और उसका जो रिजल्ट आएगा ना बहुत बेहतरीन आने वाला है। रस सूजी का होता है, जो बिस्कुट है वो मैदे के होते हैं। इन दोनों का जब मिक्सर होगा ना, रस वैसे अपने अपने रोस्ट हुए होते हैं, रोस्ट वाली जैसे मान लो सूजी गई है इसमें और मैदा भी होता है रस के अंदर, सारी चीज़ें गई हैं और फूल कर अब आ रहे हैं बाहर, बहुत फ्लेवरफुल लग रहे हैं, बनकर बिल्कुल हो जाएंगे तैयार। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर कैसे मतलब बिल्कुल साइडें छोड़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास बन रहे हैं हमारे ये केक। ये कप गाइस जो ये कपकेक बनाया है मैंने, और इसको आप कोई भी फ्लेवर में बना सकते हैं। चॉकलेट फ्लेवर है, चॉकलेट वाले बिस्कुट है, वनीला बिस्कुट है, कोई भी कोकोनट वगैरह बिस्कुट है। और इनको ना अब थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, बढ़िया से डेकोरेट करने की बारी आ चुकी है। हमारे कपकेक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और पुलाव भी बन गया फटाफट, लंच भी हो जाएगा बढ़िया सा। और जो कल रेसिपी आने वाली है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आने वाली है, मलाई चाप की रेसिपी आने वाली है। मैं आपको अभी पहले बता देता हूँ, जो मलाई चाप आएगी बढ़िया सी अफगानी चाप आएगी उसकी रेसिपी आने वाली है। तो गाइस कल का ब्लॉग काकू फैमिली ब्लॉग ज़रूर आप देखना, क्योंकि बहुत ही मस्त वाली रेसिपी है। अभी मैं रात को आऊँगा, चापे मैंने आपके सामने भिगो दी हैं अच्छे तरीके से, खड़े मसालों में बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया है, उसको ठंडी करने रख दिया है। मैरिनेशन करना है किन किन चीज़ों का, क्या कैसे बनेंगी और किसके साथ सर्व होंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी। और अब केक को थोड़ा सा सिंगार करते हैं, डेकोरेट करते हैं। और सार्थक कहते हैं कि पापा है शेक मत बनाओ, कप केक के ऊपर ही आइसक्रीम डालो, इसको चॉकलेट सिरप के साथ डेकोरेट करो फिर खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। ढक्कन खुल गया है और ये क्या मस्त वाले पुलाव बन, खिले खिले सारी चीज़ें, खिले खिले चीज़ें हैं। इसकी रेसिपी भी कभी देंगे, अभी तो खैर केक कप्स की रेसिपी दे रहा था मैं। ये देख लो क्या मस्त वाले पुलाव बन गया, बढ़िया से गर्मा गर्म पुलाव। और इधर हमारे कप केक क्या हाल चाल है, कप केक हो भाई साहब डॉली, ये देखिए गोल्डन कलर आ गया कप केक के ऊपर, ये देख रही है कप केक हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखते हैं स्टिक डाल के, स्टिक एकदम स्मूथ आ गई है बाहर और कप केक बनकर हो चुके हैं। कप केक ऑलमोस्ट हमारे डन हो चुके हैं बढ़िया से, कप केक हमारे तैयार हो गए थे बढ़िया से, क्रिस्पी कप केक बनकर हो चुके हैं तैयार। मैंने डी मोल्ड करके ऊपर डाल लिया मैंने इसमें ब्लूबेरी आइसक्रीम कप केक के साथ। सार्थक कहता है शेक नहीं करेंगे पापा, ऐसे ही सर्व करेंगे। अब इसको हल्का सा डेकोरेट कर लेते हैं फटाफट। तो गाइस फाइनली हमारे कप केक बनकर हो चुके हैं बिल्कुल एकदम रेडी खाने के लिए, और बढ़िया से मस्त तरीके से ये देख लो जरा ब्लूबेरी आइसक्रीम के साथ कप केक बन के। एक बार कमेंट्स करके बता देना कैसे बने हैं फटाफट। अब इसकी अब प्लेटिंग हो चुकी है और खाने के लिए तैयार। कप केक हमारे बन के हो चुके हैं रेडी, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और हमारे 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसी खुशी में हमने बना लिए हैं कप केक। हाँ सच्ची में देख लो 700 सब्सक्राइबर रह गए हैं सिर्फ। और गाइस मुझे कमेंट्स तो कब, हाँ कमेंट्स करके मुझे बता देना कौन सी रेसिपी आपको खानी है। मस्त वाले कपकेक बने हैं, मस्त वाले एकदम, का कोई फ्रीजर में रख दिया आइसक्रीम। हाँ जी, और डॉली आ रही है, उद्घाटन अभी करेंगे। अभी स्पून इसने पहले रख दिया खाने के लिए, और ये आ गई है हमारी मैडम जी, मैडम खाने के लिए जल्दी आ जाओ। तो गाइस रेसिपी आप बता देना, हमारे 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, रेसिपी आप बता देना कौन सी रेसिपी आप देखना चाहोगे, और वो रेसिपी बनेगी मस्त वाली। और आ जा फटाफट जल्दी केक ठंडे हो जाए। तो गाइस ब्लूबेरी शेक बनाना था मैंने, देखिए काकू पकड़िए जी। तो गाइस ब्लूबेरी मैंने शेक बनाना था, और जो बैक कैमरे में दिखाएंगे काकू, जो काकू के हैप्पी बर्थडे की खुशी में। तो गाइस ब्लूबेरी और हमारे 50,000 सब्सक्राइबर, तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। बोलो या बोलो। तो गाइस मुझे ब्लूबेरी शेक बनाना था, सार्थक कहता नहीं पापा ब्लूबेरी जो आइसक्रीम है ना इसके ऊपर डालो, कप केक के ऊपर अच्छी लगेगी। और बारी एक बारी ना बताकर मतलब बताना जरूर आपको, बैक कैमरे में दिखाता हूँ। Oh.
चापे हमारे अच्छे ढंग से बॉयल हो चुकी हैं। ये देखो मस्त तेज पत्ता गल गया और फूल गई हैं चापे। इसको अब निकालेंगे बाहर, ठीक है जी। और इस साइड डॉली बना रही है पुलाव, इसको चापों में निकालेंगे बाहर। फाइनली कप केक हमारा दिखाओ जी खत्म हो चुका है, फटाफट खा लिया इन लोगों ने। कैसे खा रहे हैं ये। और इसी के साथ हम कर रहे हैं और मिलेंगे आपको साथ साथ आगे बड़ा खाने के लिए। बड़ा बड़ा कैमरा पिघल जाएगा, आइसक्रीम बड़ा खा लो गर्म में, ठंडी चीज तो मजा आ जाएगा ना, मस्त वाला।